हेलो फ्रेंड्स, कंचन किचन में आपका स्वागत है। तो आज रेसिपी है पनीर का पकौड़ा। देखिए, पनीर का पकौड़ा जो है इसको बनाना बहुत ही आसान है। इसको बनाने में अधिक समय भी नहीं लगता है। बारिश के मौसम में अगर स्वादिष्ट करारे पकौड़े मिल जाएं तो फिर क्या चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड देखिए, हमने ये आधा कप बेसन ले लिया हुआ है चना का, और इसके बाद हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच मैदा, जिससे कि ये कुरकुरे होंगे। आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, आप बेसन में ही बना सकते हैं। तो अब इसमें डालेंगे, देखिए, रोस्टेड कसूरी मेथी। अब इसमें स्वादानुसार नमक को ऐड करेंगे। अब इसमें डालेंगे लाल मिर्च को, जिससे कि तीखा जितना आपको पसंद उतना डालें। गरम मसाला हम डालेंगे 1/4 चम्मच, और देखिए हल्दी पाउडर डालेंगे, और इसमें डालेंगे खड़ा जीरा। अब सभी को अच्छी तरीके से हम बेसन में ऐसे ही पहले मिक्स कर देंगे। अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद जब हम पानी डालेंगे ना, तो लम्स जल्दी नहीं पड़ते हैं। तो इसे अच्छी तरीके से मिलाने के बाद हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका हम गाढ़ा जो है बैटर बना लेंगे। तो देखिए, अभी हम थोड़ा थोड़ा डाल रहे हैं कि कहीं हम ज़्यादा डाल देने से ये घोल पतला ना हो जाए। तो इसलिए हम क्या करेंगे, पानी थोड़ा थोड़ा डालेंगे। अगर मान लीजिए बाई चांस आपका जो है पतला हो जाता है, तो आप इसमें थोड़ा सा और बेसन को ऐड कर दीजिएगा, और इसे देखिए अच्छी तरीके से मिला लीजिए। और इसे फेंट लेने के बाद इसे आप जो है 10 मिनट ढक करके इसे आप रख सकते हैं। तकरीबन हमने इसे जो है 2 से 3 मिनट तक हमने फेंट लिया है। देखिए इस तरीके से कहीं भी इसमें लम्स नहीं है। अब इसको देखिए अच्छी तरीके से फेंटने के बाद हम इसे 10 मिनट ढक करके रख देंगे। अब देखिए, हम पनीर के स्लाइस जो है आप जिस भी साइज़ के कट करना चाहते हैं कट कर लीजिए। अब देखिए 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें जो अब इसमें हम पनीर के स्लाइस को डालेंगे। देखिए अच्छी तरीके से कोट कर लेंगे। कोट करने के बाद इसे हम कढ़ाई में, हमारा ऑयल गर्म हो चुका है, उसमें हम फ्राई के लिए डाल देंगे। देखिए ये ध्यान रखिएगा कि जब हम फ्राई के लिए पनीर के पकौड़े उसमें फ्राई करें, तो हमारा जो फ्लेम है वो मीडियम होना चाहिए। आप हाई फ्लेम पर इसे फ्राई करेंगे, तुरंत डालेंगे, तुरंत आपका बेसन जल जाएगा। तो इसलिए जो है मीडियम फ्लेम पर इसे बनाएं, तो आपके अच्छे तरीके से दोनों साइड से सेकते हुए आप जो है इसे कुरकुरे आप सेक सकते हैं। और ज़्यादा समय नहीं लगता है, 1 से 2 मिनट तक इसे फ्राई करने में लगता है समय, क्योंकि पनीर को पकने में वो तो उसको क्या पकाना है, बेसन पकने में 1-2 मिनट अच्छे तरीके से धीमी आंच पर आप बना सकते हैं। तो देखिए दोनों साइड से आप पलटते पलटते रहें, क्योंकि ये जल ना जाए। और देखिए ये अच्छा तरीके से ये गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब इसको हम देखिए प्लेट में निकाल लिए हैं। अब ये सर्व करने के लिए तैयार है। इसे आप चटनी के साथ, किसी सॉस के साथ आप खा सकते हैं। और इस पनीर रेसिपी के पकौड़े को आप जो है ट्राई कीजिए। अगर आपको मेरा बताने का तरीका अच्छा लगा हो, तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट रेसिपी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।